हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11 से लेकर 20 तक के पहाड़ों को याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 के बीच में पढ़ते हैं, उनको पहाड़े की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो पहाड़ों को याद नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं लेकिन पहाड़े याद नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप पहाड़े को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। सारी जिंदगी में आप पहाड़े कभी भी नहीं भूलने वाले हैं अगर आपने इस तरीके को सीख लिया तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, आज की इस वीडियो में हम 11 से 20 तक पहाड़े सीख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको 2 से 10 तक भी पहाड़े याद नहीं हो रहे हैं, 2 से 10 तक के पहाड़े भी नहीं आते हैं, तो आपको उसके लिए यह वाला वीडियो देखना चाहिए। ये मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने 2 से लेकर 20 तक पहाड़े सिखाए हुए थे, तो 2 से 10 तक पहाड़े आप वहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद में आप ये वाला भी देख लीजिए अगर आपको 2 से 10 तक पहाड़े नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 11 से 20 तक पहाड़ों के लिए है, तो अब यहां से आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 11 का पहाड़ा। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा तो बहुत आसान होता है, बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, जिनको याद नहीं है वो अभी सीख लीजिए, बहुत आसान है। देखिएगा, 11 एकम 11, 11 दुनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छः 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 नौ 99 और 11 धाम के 110। देखिए कितना आसान है भाई, 11 एकम 11, 11 दुनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छः 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 नब्बे 99 और 11 धाम को 110। कितना आसान है, इतना आसान पहाड़ा सभी को याद होगा। अब इसके बाद में आता है 12 का पहाड़ा। 12 से लेकर 20 तक के पहाड़ों में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा कैसे याद करना है देखिएगा, जैसे कि हम लिखते हैं 12 कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो 12 का पहाड़ा देखिए कैसे हमें याद रखना है। यहां पर देखिए क्या है, एक, तो एक से दस तक आप गिनती लिखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हमने 1 से 10 तक गिनती लिख दी, अब यहां पर क्या है 2, तो अब हमें यहां पर क्या करना है, 2 का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 धाम के 20। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा 12 का पहाड़ा कैसे आएगा उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या है 12, तो ये हमने लिखा 12। ठीक है, यहां पर है 24, तो ये हमने लिखा 24। यहां पर है 36, तो ये हमने लिखा 36। यहां पर है 48, तो ये हमने लिखा 48। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही 3 अंक आते हैं तो इधर वाला जो अंक है उसको लिख दीजिए यहां पर और इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 2 है तो 2 लिखो, इन दोनों को जोड़ दो तो 6 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 4 है तो 4 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 1 हो जाएगा 8। ठीक है, यहां पर 6 है तो 6 लिखेंगे, 8 और 1 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 8 है तो 8 लिखेंगे और 9 और 1 हो जाएगा हमारा कितना 10, तो ये हमने 10 लिखा। इसके बाद में यहां पर है 0 तो 0 लिखेंगे, 10 और 2 हो जाएगा 12, तो ये हमने लिखा 12। अब देखिए ये हमारा पूरा का पूरा 12 का पहाड़ा बन करके तैयार हो गया है। जैसे कि देखिए, 12 एकम 12, 12 दुनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108 और 12 धाम को 120। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई सर तो हमसे बीच में से कहीं से पूछ लेते हैं, बताइए 12 छक्के कितना होगा, 12 अट्ठे कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 12 अट्ठे क्या होगा, तो आपको क्या करना है, आपने देखा ये 12 है, 12 अट्ठे पूछा है तो 2 अट्ठे कितने होते हैं, 2 अट्ठे 16 और 1 से 8 तक गिनती में आता है 8। ठीक है, तो यहां पर 6 लिखो, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 12 अट्ठे 96 होते हैं, इतनी जल्दी कैलकुलेशन करके आप बता देंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा बताइए 12 पंजे कितने होते हैं, तो आपने लिखा भाई 12, तो 2 पंजे कितने होते हैं 10, 1 से 5 तक गिनती में आता है 5, तो देखिए यहां पर 0, 5 रख हो जाएगा 6, 12 पंजे 60 होते हैं, इतनी जल्दी कैलकुलेशन करके आप भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं, कोई भी कहीं से भी पहाड़ा पूछ ले। अब इसके बाद में आता है हमारा 13 का पहाड़ा, तो 13 हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है ना, तो यहां पर 1 है तो 1 से 10 तक गिनती लिख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10।
तीन है तो तीन का पहाड़ा लिख लो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिरका नौ, ती चौके बारह, ती पाँच पंद्रह, ती छिंग अठारह, ती सात इक्कीस, ती अट्ठे चौबीस, तीन नाम सत्ताईस और तीन धाम के तीस। ये देखिए हमने लिख लिया। अब तेरह का पहाड़ा बनेगा कैसे, तो भाई यहाँ पर देखो तेरह है तो तेरह लिखो, यहाँ पर छब्बीस है तो छब्बीस लिखो, यहाँ पर उनचालीस है तो उनचालीस लिखो, यहाँ पर देखिए अब तीन अंक आ गए तो दो जो है इसको यहीं पर लिखो, इन दोनों को जोड़ दो तो चारों लिखो जाएगा पाँच। ठीक है, यहाँ पर पाँच है तो पाँच लिखो, पाँचों एक हो जाएगा छः, यहाँ पर आठ है तो आठ लिखो, छः और एक हो जाएगा सात, तो हमने सात लिखा, यहाँ पर एक है तो एक लिखा, सात और दो हो जाएगी हमारे नौ, तो ये हमने नौ लिखा, यहाँ पर चार है तो चार, आठ और दो हो जाएंगे दस, तो ये हमने दस लिखा, इसके बाद में यहाँ पर सात है तो सात, नौ और दो ग्यारह है तो यहाँ पर ग्यारह लिखा, इसके बाद में यहाँ पर जीरो है तो जीरो, दस और तीन तेरह, ये देखिए हमारा एक सौ तीस हो गया और ये हमारा तेरह का पहाड़ा बन करके रेडी हो गया है। चलिए पढ़ लेते हैं, तेरह एकम तेरह, तेरह दून छब्बीस, तेरह तीन उनचालीस, तेरह चौको बावन, तेरह पंजे पैंसठ, तेरह छिंग अठहत्तर, तेरह सत्तर इक्यानवे, तेरह अठे एक सौ चार, तेरह नब्बे एक सौ सत्रह और तेरह धाम को एक सौ तीस। अब यहां पर भी अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए तेरह नब्बे कितना होता है, तो आपने देखा कि भाई तेरह का पूछा है तो तीन नब्बे कितने होते हैं, तीन नाम सत्ताईस, तो ये हमने सत्ताईस लिखा, एक से नौ तक की गिनती में कितना आता है नौ, तो हमने नौ लिखा, यहां पर है सात, नौ और दो होते हैं ग्यारह, तेरह नब्बे हमारे एक सौ सत्रह होते हैं। ठीक है, इतनी जल्दी कैलकुलेशन आप भी बताएंगे। अगर किसी ने पूछ लिया कि बताइए तेरह अट्ठे कितने होते हैं, तो आपने देखा ती अट्ठे होते हैं चौबीस, एक से आठ तक की गिनती में आता है आठ, तो यहां पर चार, आठ और दो हो जाएंगे दस, एक सौ चार होते हैं। देखिए यहां पर भी एक सौ चार है, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आप भी बता सकते हैं। चलिए अब हम बनाते हैं चौदह का पहाड़ा, चौदह का कैसे बनेगा, तो ये हमने लिखा चौदह। ठीक है, एक से दस तक गिनती लिखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस। ठीक है, चार है तो चार का पहाड़ा लिखो, चार एकम चार, चार दुनिया आठ, चार तीय बारह, चार चौक सोलह, चार पंज बीस, चार छिंग चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस, चार अट्ठे बत्तीस, चार नाम छत्तीस और चार धाम के चालीस। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा पहाड़ा कैसे बनेगा, चौदह है तो चौदह लिखो, यहाँ पर अट्ठाईस है तो अट्ठाईस लिखो। अब जैसे ही तीन अंक आ जाते हैं तो सिंगल अंक को यहाँ पर लिखो और इन दोनों को जोड़ दो, तीन और एक हो जाएगा हमारा चार, ये देखिए बयालीस हो गया। यहाँ पर छः है तो छः, चार और एक हो जाएंगे हमारे पाँच। ठीक है, जीरो है तो जीरो, पाँच और दो हो जाएंगे सात। ठीक है, चार है तो चार, छः और दो हो जाएंगे आठ। ठीक है, आठ है तो आठ, सात और दो हो जाएंगे नौ। ठीक है, दो है तो दो, आठ और तीन हो जाएंगे हमारे ग्यारह। ठीक है, छः है तो छः, नौ और तीन हो जाएंगे हमारे बारह। ठीक है, इसके बाद में जीरो है तो जीरो, दस और चार हो जाएंगे हमारे चौदह। तो ये देखिए हमारा चौदह का पहाड़ा बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, देखिएगा चौदह एकम चौदह, चौदह दुनिया अट्ठाईस, चौथी बयालीस, चौदह चौको छप्पन, चौदह पंच सत्तर, चौदह छिंग चौरासी, चौदह सत्तर अंठानवे, चौदह अट्ठे एक सौ बारह, चौदह नौ एक सौ छब्बीस और चौदह धाम के एक सौ चालीस। अब यहाँ पर भी कोई भी आपसे पूछे कि बताइए चौदह सत्य कितने होते हैं, तो आपने लिखा चौदह, चार सत्य कितने होते हैं अट्ठाईस और एक से सात तक की गिनती में आता है सात, तो आठ को लिख दो यहाँ पर, सात और दो हो जाएंगे नौ, चौदह सत्य अंठानवे होते हैं, यहाँ पर भी देखिए अंठानवे है। कोई कहीं से भी पूछ ले आप बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से पंद्रह का पहाड़ा भी हम बना लेते हैं, ये हमने लिखा पंद्रह। ठीक है, एक से दस तक गिनती लिखो, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। पाँच का पहाड़ा लिखो, पाँच दुनी दस, पाँच तीय पंद्रह, पाँच चौको बीस, पाँच पंजे पच्चीस, पाँच छक्का तीस, पाँच सत्ते पैंतीस, पाँच अट्ठे चालीस, पाँच नाम पैंतालीस और पाँच धाम के पचास। ठीक है, यहाँ पर जब तक सिंगल सिंगल है जब तक सीधा सीधा लिखो, यहाँ पर देखिए पंद्रह है तो हमने पंद्रह लिखा, अब यहाँ पर तीन अंक आ गए तो जीरो की जीरो, ठीक है, दो और एक हो जाएगा तीन, इसके बाद में यहाँ पर पाँच है तो पाँच, तीन और एक हो जाएगा चार, इसके बाद में जीरो तो जीरो और चार और दो हो जाएगा छः, इसके बाद में यहाँ पर पाँच है तो पाँच, पाँच और दो हो जाएगा हमारा सात, यहाँ पर छः है तो छः, तीन और छः हो जाएगा हमारा नौ। ठीक है, यहाँ पर पाँच है तो पाँच, सात और तीन हो जाएगा हमारा दस, यहाँ पर जीरो है तो जीरो, आठ और चार हो जाएगा बारह, तो हमने लिखा बारह, यहाँ पर पाँच है तो पाँच, नौ और चार हो जाएगा तेरह, तो ये हो गया हमारा तेरह, इसके बाद में जीरो तो जीरो और पाँच और दस हो जाएगा हमारा पंद्रह। ये देखिए पंद्रह का पहाड़ा भी बन करके तैयार हो गया है। इसी प्रकार से आप सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस किसी का भी पहाड़ा बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बीस का पहाड़ा है भैया, बीस का पहाड़ा कितना आसान होता है, तो देखिए यहाँ पर तो जीरो है, दो का पहाड़ा लिखो, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तीय छः, दो चौके आठ, दो पंजे दस, दो छिंग बारह, दो सत्ते चौदह, इसके बाद में दो अट्ठे सोलह, दो नाम
दो नाम 18 और दो इधाम के 20, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो है तो जीरो जीरो लगाते आओ, बस यहाँ पर जीरो 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 जीरो, ये देखिए दो 20 का पहाड़ा बन गया। 19 का बनाना है तो ये लिखा एक और ये लिखा नौ, अब हमें एक एक से 10 तक गिनती लिखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 9 का पहाड़ा लिख दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 नाम 81 और 9 इधाम के 90, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पर 19 है तो 19 लिखा, यहाँ पर 8 है तो 8, 2 रेख हो जाएगा 3, यहाँ पर 7 है तो 7, 3 2 हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पर 6 है तो 6, 4 और 3 हो जाएगा 7, यहाँ पर 5 है तो 5, 5 4 हो जाएगा हमारा 9, इसी प्रकार से यहाँ पर 4 और 6 और 5 हो जाएगा 11, यहाँ पर 3 है तो 3, 7 और 6 हो जाएंगे हमारे 13, इसके बाद में यहाँ पर 2 है तो 2, 8 और 7 हो जाएंगे हमारे 15, यहाँ पर 1 है तो 1, 8 और 9 हो जाएंगे हमारे 17, तो ये हो गया 17, यहाँ पर 0 है तो 0, 10 और 9 हो जाएंगे हमारे 19, तो ये देखिए 19 का पहाड़ा बन गया है। इसी प्रकार से आप पूरे के पूरे पहाड़े याद रख सकते हैं और सारी जिंदगी आप ये तरीका नहीं भूलेंगे और आसानी से आपको सारी जिंदगी कोई भी पहाड़ा याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा, आपकी हर कमेंट का रिप्लाई हम जरूर से देते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।